और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर के तहसील पुलिस स्टेशन के तहत नायलॉन मांजा जब्ती की बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम देते हुए करीब 3 लाख का नायलॉन मांजा जब्त किया है। पुलिस विभाग से जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए नायलॉन मांजा शहर में बेचने के लिए लाया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नायलॉन मांजा जब्त किया है। मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए आए दिन नायलॉन मांजा के पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है। 3 दिन में ये तीसरी कार्रवाई है जब पुलिस ने नायलॉन मांजा जब्त किया है। इस बार नागपुर तहसील पुलिस ने 3 लाख का नायलॉन मांजा जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी गजानन राजमाने ने बताया कि नायलॉन मांजे पर पाबंदी के बावजूद व्यापारी थोड़े मुनाफे के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं, जबकि जानलेवा घातक मांजे के दुष्परिणाम कितने घातक हो सकते हैं ये पिछले दिनों हमने देख लिया है। ऐसे में जो नायलॉन मांजा का उपयोग करेंगे उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसे चेतावनी डीसीपी राजमाने ने दी है। वहीं उन्होंने जनता से नायलॉन मांजा न खरीदने की अपील भी की है। आज 3 लाख के ऊपर मुद्देमाल है नायलॉन मांजा का, जो जब्ती किया है तहसील पुलिस थाने की टीम ने। अवैध तरीके से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था और यहाँ तहसील हद्दी में मार्केट प्लेस है, वहाँ वो बिकने वाला था। तो उसके ऊपर जो गोपनीय माहिती मिली हमारे टीम को, तो उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की है, माल जब्त किया है। इसमें गुना दाखिल होने की प्रोसीजर शुरू है, कार्रवाई हो रही है। सर, ये जो जो माल था जो काशी लेके आ रहे थे, और कौन आरोपी है? ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट नागपुर ही आ रहा था और नागपुर में अलग अलग रिटेलर है, उनको बेचकर वहाँ से फिर जो एंड यूज़र है उनके पास वो जाता था। तो वो माहिती मिली थी, वो माहिती के अनुसार ताबे में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू है। सर, यूनिट 4 इसके आगे भी इस...